तो देखो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल में देखो कि हमें क्या करना है। बेसिकली हमें जो है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर यहाँ पे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये यहाँ पे देखो एक पार्टिकल है और ये जो है थीटा है, और सिंपल पेंडुलम है, स्ट्रिंग मास लेस है या लेंथ का, तो पॉइंट ए पर एक्सट्रीम पोजिशन है, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो। तो कभी बॉब यहाँ भी रहेगा तो यहाँ पर तुम देखोगे तो वेलोसिटी इधर आएगी। तो किसी पॉइंट पे टेंशन कैसे निकालते हैं, सेंट्रीपिटल का इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर मैं एक्सट्रीम पॉइंट पे लिखता हूँ तो एक्सट्रीम पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, स्ट्रिंग में टेंशन टी इधर लगेगा और एम जी इधर लगेगा, बस दो ही फोर्स लगेंगे। तो अगर ये वाली एंगल थीटा है तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इसको इधर लाएगा, जो होगा एम जी साइन थीटा, और एम जी का एक कॉम्पोनेंट टेंशन के अपोजिट जाएगा, जो होगा टी कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ सेंट्रीपिटल का एक्सट्रीम पोजिशन पे सेंट्रीपिटल का इक्वेशन लिखूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर ओवर रेडियस ऑफ द सर्कुलर बार नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर। तो नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर मतलब ये आ जाएगा टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा, टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर ओवर आर एल। ये टी कॉस थीटा नहीं होगा बच्चों, एम जी का कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो है, तो टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो एम जी कॉस थीटा होगा। तो ये जो पॉइंट है दैट इज एट एक्सट्रीम पॉइंट, और एम जी कॉस थीटा हमेशा नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। टेंशन मैक्सिमम होता है ए पॉइंट पर। ए पॉइंट में निकालने के लिए मैं सेंट्रीपिटल के साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व कराऊंगा। प्रीवियस वीडियो, बहुत सारा वीडियो है मेरा, देख लेना। उसमें दो इक्वेशन लग जाएंगे ना, टी माइनस एम जी और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा के वेलोसिटी निकालोगे तब जाके होगा। थैंक यू।